फ्रेंड्स, मैं एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि डमी सब्जेक्ट क्या है, तो आइए फ्रेंड्स देखें कि डमी सब्जेक्ट क्या है। फ्रेंड्स, इट और देयर को हम डमी सब्जेक्ट या इम्प्टी सब्जेक्ट या आर्टिफिशियल सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार इट और देयर को डमी सब्जेक्ट या इम्प्टी सब्जेक्ट या आर्टिफिशियल सब्जेक्ट कहें। इसका कुछ कंडीशन है जहाँ ऐसा होने पर इसे डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड देखें कि डमी सब्जेक्ट क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स इस लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, देयर मीन्स वहाँ और इट मीन्स या, लेकिन फ्रेंड्स कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेज मिलते हैं जहाँ सब्जेक्ट नहीं होती है, तो इस सूरत में हम इट या देयर का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के सेंटेंसेज में इट या देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, इसीलिए हम इसे डमी सब्जेक्ट या इम्प्टी सब्जेक्ट या आर्टिफिशियल सब्जेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डमी मीन्स नकली। जैसा अगर आप किसी मोबाइल शॉप पर जाते होंगे तो आपको एक नकली मोबाइल देखने को मिल सकता है, जो इसलिए रखा जाता है ताकि आप उसकी मॉडल या उसकी लुक को देख सके। तो फ्रेंड्स, डमी मीन्स नकली, इम्प्टी मीन्स खाली या आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी। आइए फ्रेंड्स इस बात को एग्जाम्पल में समझें। We use there to show the presence of a person or a thing. हम there का इस्तेमाल किसी इंसान या किसी चीज की प्रेजेंस बताने के लिए करते हैं कि वहाँ पर किसी इंसान या किसी चीज की मौजूदगी है, यानी प्रेजेंस है। There का प्रयोग जब किसी वाक्य के शुरू में होती है तो देयर से किसी चीज का होना बताया जाता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब देयर का इस्तेमाल किसी सेंटेंस के शुरू में होती है तो वहाँ देयर से किसी नाउन यानी किसी इंसान या चीज के मौजूद होने का पता चलता है। जैसे देयर इज अ कैट, इसका मतलब हुआ कि बिल्ली है, यानी एक बिल्ली मौजूद है। देयर इज अ मैन, इसका मीनिंग हुआ आदमी है, यानी इसका अंदरूनी मीनिंग हुआ कि एक आदमी मौजूद है। There is a book, एक किताब है, और इसका अंदरूनी मीनिंग हुआ कि एक किताब मौजूद है। तो फ्रेंड्स, जब there का इस्तेमाल किसी सेंटेंस के शुरू में होती है तो यहाँ there का कोई मीनिंग नहीं होता, बल्कि यहाँ there की यूज से ये पता चलता है किसी नाउन की मौजूदगी है। तो फ्रेंड्स, इस सेंस में जब हम there का इस्तेमाल शुरू में करते हैं तो वहाँ there का कोई मीनिंग नहीं होता, इसीलिए हम there को डमी सब्जेक्ट या इम्प्टी सब्जेक्ट या आर्टिफिशियल सब्जेक्ट कहते हैं। और नॉर्मली जब देयर का इस्तेमाल एक डमी सब्जेक्ट की जैसे किया जाता है तो देयर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, देयर प्लस टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इज आरम या वाज वर्ब या शैल बी विल बी, उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको डमी सब्जेक्ट के बारे में समझ में आया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके सेंटेंस में लिखा हो वहाँ एक बिल्ली है तो आप वहाँ के लिए देयर लिखेंगे और वो आप लिखेंगे बाद में, यानी कॉम्प्लीमेंट के बाद। There is a cat there, वहाँ एक बिल्ली है, लिखा है there is a man, एक आदमी है, लेकिन अगर आपको कहना हो कि वहाँ एक आदमी है तो आपको कहना होगा there is a man there। अगर हम बात it की करें फ्रेंड्स, it is Sunday today, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ आज संडे है। यहाँ पर it का कोई मीनिंग नहीं हुआ। It is important to do, करना महत्वपूर्ण है। It is important to say, कहना जरूरी है या कहना महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर it का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए यहाँ इट का इस्तेमाल डमी सब्जेक्ट के तौर पर हुआ है। इट इज 9:30। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इट का कोई मीनिंग नहीं है। पानी है फ्रेंड्स, अगर लिखा हो पानी है और आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर आपको डमी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता कि डमी सब्जेक्ट क्या होता है तो शायद आप इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करें, वॉटर इज या Is water। लेकिन दोनों सूरत में ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ पर कुछ छोड़ दिया है या फिर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ छूट गया है, यानी ये दोनों सेंटेंसेस देखने में अधूरे लग रहे हैं, इनकम्प्लीट लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता या छिपा हुआ होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है लड़के हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि डमी सब्जेक्ट क्या होता है तो हो सकता है कि आप इसका ट्रांसलेट ऐसे करें, आर बॉयज, तो ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ पर कुछ छोड़ दिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आपने कुछ नहीं मिस किया, लेकिन ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करें, बॉयज आर,
तो ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं देयर मींस वहाँ, लेकिन इस सूरत में देयर का कोई भी मीनिंग नहीं होता। हम देयर का इस्तेमाल सिर्फ अपने सेंटेंस को एक सही शक्ल देने के लिए करते हैं, एक सही रूप देने के लिए करते हैं, यानी एक सही फॉर्म देने के लिए करते हैं। देयर इज अ वाटर, अब यह एक कम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है। मैंने यहाँ पर देयर का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है। लिखा है लड़के हैं, तो मैं लिखूंगा देयर आर बॉयज, अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। देयर लिखने के बावजूद भी इस सेंटेंस का यही मीनिंग है कि लड़के हैं। यहाँ पर देयर को हम डमी सब्जेक्ट या इम्पटी सब्जेक्ट या आर्टिफिशियल सब्जेक्ट कहते हैं। देयर इज अ रोवर कि एक डाकू मौजूद है या एक डाकू की मौजूदगी है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, यानी एक राजा की मौजूदगी थी। देयर वर बॉयज, लड़के थे, यानी लड़कों की मौजूदगी थी। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है या कुछ गड़बड़ है, यानी यहाँ पर कुछ मौजूद है, किसी चीज की प्रेजेंस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सभी जगह देयर का इस्तेमाल एक डमी सब्जेक्ट के तौर पर हुई है, क्योंकि यहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, देयर मींस वहाँ होता है। बाय द वे फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि वहाँ एक डाकू है, तो आप कहेंगे देयर इज अ रोवर देयर। वहाँ एक किंग था, देयर वॉज अ किंग देयर। वहाँ लड़के थे, देयर वर बॉयज देयर। वहाँ कुछ गड़बड़ था, देयर वॉज समथिंग रॉन्ग देयर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको डम्मी सब्जेक्ट के बारे में शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।